वेलकम टू माय चैनल लिबीरॉक्स जेम्स। तो सीरिया लीग का मैच हो रहा है टीओआर वर्सेस रोमा के बीच 3 घंटे 35 मिनट के बाद। आज सिर्फ दो फुटबॉल मैच हम कवर कर रहे हैं, कि रोमा का मैच और एक रियल मैड्रिड का, बस ये दो मैच क्योंकि है ही दो। और बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो रोमा और टीओआर में डेफिनेटली जीतना चाहिए रोमा को, लेकिन जो रोमा के हालात चल रहे हैं, जो रोम टीम के हालात हैं इस वक्त, वो हैं पूरी तरीके से फ्लॉप। इन्होंने आखिरी के 5 मैच में सिर्फ 2 मैच जीते हैं और बाकी सारे 0-0 से हुए हैं, बिल्कुल ड्रॉ। इसका मतलब ये है कि डिफेंडिंग में कोई कमी नहीं आई, इसका मतलब है मिड फील्डिंग और स्ट्राइकिंग में बहुत ज़्यादा कमी है रोमा की। और वहीं बात करूँ टीओआर की, टीओआर जीतती आ रही है और लंबे मार्जिन से, कभी 3-1 कभी 4-0, मतलब लंबे मार्जिन से हराती आ रही है। इसलिए टीओआर का परला भारी हो सकता है आज के मैच के अंदर, दोनों तरफा गोल्स होंगे। बात करें, गोल करना आसान रहेगा टीओआर के लिए और गोल करना मुश्किल रहेगा रोमा टीम के लिए। तो बात करें इस मैच की, तो शुरुआत करते हैं गोल कीपर से। तो पहला गोल कीपर बैरिशा को यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। एक्टिड बैरिशा ने पिछले मैच में नेपोली की पेनल्टी रोकी थी, दिखने में सिलेक्शन, ये ना सिलेक्शन के भरोसे में मत रहना कभी। पिछले मैच में इतना इन्होंने झूठ बोला है, पिछले मैच के अंदर 42% शो हो रही थी और 42% ये कुछ नहीं थी, ये बंदा ना 90% से भी ऊपर सेलेक्टेड था हर बंदे की टीम में, भले आप जीएल खेल लो या स्मॉल लीग, ये सिर्फ इनका बहाना है। मैंने साफ देखा है, अब तो मैंने नोटिस किया है, कैसे हो सकता है ऐसे, जब ये 42% है तो सबकी टीम में कैसे हो सकता है। इसलिए सिलेक्शन तो देखो मत, इस पर मत जाओ, ये 12 है, ये तो बस दिखाने का है, मैं आपको साफ बता रहा हूँ बैरिशा सबका होगा। आगे से बात करें सी स्मॉलिंग की, तो यहाँ पर है क्रिस स्मॉलिंग और साथ में है आर इबनेस। अब इबनेस तो भाई बंदा होता, मतलब चलता है तो मेरे को पता है, लेकिन सी स्मॉलिंग की क्या ज़रूरत थी नो क्रेडिट करने का, ये मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि सी स्मॉलिंग बिल्कुल बेकार खेलता है, मैं आपको सही बता दूं। बस ये कभी कभी चलने वाला है, इसलिए अगर आप चाहें तो उसकी जगह कास्ट ड्रॉप को भी ले सकते हैं। जस्ट मैंने अभी इसलिए ड्रॉप कर रखा है क्योंकि अभी मैं देखूंगा खेलेगा कि नहीं, क्योंकि पिछले मैच के अंदर प्लेइंग 11 में नहीं था। और कुंबला की बात करें, यहाँ पर है मारिश कुंबला, इसी को लेना भाई अगर लेना है कोई प्लेयर 8.5 क्रेडिट में, क्योंकि नीचे से पहले लोगों ने इसको ले लिया था, लियोनार्डो को, पिछले मैच के अंदर ये बंदा 45 मिनट में फ्लॉप हो गया बुरी तरीके से, 45 मिनट के बाद सब्स्टिट्यूट हो गया। आगे से बात करें वर्तवत की, देन वर्तवत की हुई वापसी, तो पिछले मैच के अंदर तो आपको पता ही है क्या इनके हालात थे टीम के, सो गोल नहीं भी किया तो कोई टेंशन नहीं। बाकी क्रिश्चियन ने अच्छा खेल गया, ये बंदा 55 पॉइंट दे गया बिना कुछ करे, आप देख सकते हैं 77 पासिस कंप्लीट किए थे, 2 इंस्क्रिप्शन टैकल, चांस क्रिएटर 6 बार, उसका भी फ़ायदा नहीं उठा पाई ये टीम। एंड प्रायट की बात करें, डेनिस प्रायट खेलेगा और जो प्लेयर इंजर्ड रहेगा, एक मैकटीरियन ना खेले शायद क्योंकि ये भी इंजरी है, और ल्यूकिक खेल सकता है, ल्यूकिक अच्छा खेलता है, ल्यूकिक आखिरी के 2 मैच में 2 गोल कर चुका है, सो ल्यूकिक को ड्रॉप करना बहुत बड़ा रिस्क है। सुपर मैं क्या करूं यार, क्रेडिट इशू के कारण मुझे मजबूरन आधे क्रेडिट के कारण रोलैंडो मैत्रोंग्रा को लेना पड़ रहा है, अब क्या करें यार, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा एक जगह। एंड आगे से अगर बात करें 2 मिनट, तो यहाँ पर एक प्लेयर है मतलब एल पेलेग्रिनी जो कि पेनल्टीज लेता है, सो पेलेग्रिनी को ज़रूर लेना। और पेलेग्रिनी की सिलेक्शन इसलिए कम है क्योंकि लोगों ने नहीं लिया होगा, बाकी सिलेक्शन पे मत ही जाओ। एंड अब्राहिम की बात करें, टी अब्राहिम इज़ ऑल्सो ए ग्रेट प्लेयर। अब्राहिम जब से इस टीम में आया, मैंने इसका अगला मतलब अलग रूप देखा है, पहले ऐसा नहीं खेलना जानता था। एंड बेलोटी की बात करें, बेलोटी को लेने का कारण पेनल्टी और ब्रेकोलो को छोड़ने का कारण आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है। और आगे से बात करते हैं कैप्टन की, कैप्टन है मेरा पेलेग्रिनी अब्राहिम, वाइस कैप्टन है पेलेग्रिनी, ये नहीं मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।